अगर कभी भी किसी को नए बंदे को काम सीखना है तो ये ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जो रहते हैं उसको कटिंग करके काम सीखा जा सकता है। चलाओ मशीन। ऐसे टुकड़े अगर छोटे बड़े भी कटिंग हो जाते हैं तो ऐसे साइड में जो देख रहे हैं एक एक इंच के टुकड़े आ रहे हैं इसमें, वो साइड में एक इंच का टुकड़ा आ रहा है इसमें, तो वहाँ वो टाइल आएंगी साइड से तो उसमें छुप जाता है वो, उसमें 19-20 का जो फर्क रहता है वो आता नहीं कभी भी। तो इसमें क्लियर काम सीख सकता कोई भी नया बंदा अगर काम सीखना चाहता है तो मिस्त्री के साथ में ऐसे काम सीख सकता है। जैसे पूरी दीवार लग गई इसमें चारों तरफ जब टुकड़े लगते हैं तो उसमें ये ऐसे टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े लगाने से आदमी का कभी भी साफ हो जाता है, हाथ साफ हो जाता है उससे, क्लियर ऐसे काम सीख सकते हैं थोड़ा छोटा छोटा टाइल्स का। और ग्रेनाइट में भी वैसे ही अगर कहीं टुकड़े पट्टे आ रहे हैं विंडो में तो उसमें ऐसे काम सीख सकते हैं। जैसे अभी ये कटिंग कर रहा है नया बंदा है, अभी ये एक काम सीख रहा है, ये अभी पूरे टुकड़े लगाएगा, अभी ये नया बंदा है जो काम सीख रहा है अभी। ये पूरी एलिवेशन टाइल्स है, इसका अगर पीछे से जो मार्क रहता है चिन्ह रहता है उसके हिसाब से कटिंग कर रहा है, पीछे जो चिन्ह रहते हैं उसके हिसाब से इसकी कटिंग करनी पड़ती है। जो टाइल्स की जो डिज़ाइन रहती है वो डिज़ाइन परफेक्ट मैच हो जाती है इसकी। ऐसे और भी बहुत से आइडिया हैं जो आगे आपको मैं बताता रहूँगा वीडियो के जरिए। आज की वीडियो में इतना ही, आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा इसकी पूरी टाइल्स की डिज़ाइन। ये 12 इंच बाय 18 इंच की टाइल्स है टोटल, एलिवेशन टाइल्स है। इसके भी नीचे की पार्किंग टाइल्स का भी डिज़ाइन का वीडियो आएगा अभी आगे, और इसको प्योर केमिकल में लगा रहे हैं। ये देख सकते हैं सबसे पहले इसको पेंट किया हुआ था ऑयल, जो अपना पेंट रहता है सादा वो किया हुआ था, इसके बाद में इसको ग्लेंडर से थोड़ा सा टांचे मार लिया, रब कर लिया, उसके बाद में इसको प्योर केमिकल में लगा रहे हैं। जो भी कंपनी कोई भी कंपनी का केमिकल रहता है उसमें फिटिंग कर रहे हैं इसको टोटल। और आगे की डिटेल में आगे की वीडियो में बताता हूँ।